नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठ। मंडला संयुक्त मोर्चा महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ 2 मार्च को दिए ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में लंबे समय से लंबित मांगों पर कोई भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त न होने के कारण दिनांक 15 मार्च 2023 से अनिश्चितकालीन अवकाश पर जा रहे हैं, जिसकी सूचना आज जिला कलेक्टर महोदया को एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मंडला को दी गई। शासन स्तर पर पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी की वेतन विसंगति की मांग विगत 30 वर्षों से लंबित है। 35 वर्ष की सेवा के उपरांत पर्यवेक्षक को और 25 वर्ष की सेवा के उपरांत परियोजना अधिकारी को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। देश में सबसे न्यूनतम वेतन परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक का मध्य प्रदेश में है और 2018 से वेतनमान में बढ़ाने के लिए फाइल वित्त विभाग के पास में लंबित है, जिस पर विगत 5 वर्षों से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। समस्त परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। काम बंद की क्या कारण है? जी, हम लोगों ने सूचना 15 मार्च से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पे परियोजना अधिकारी संघ और पर्यवेक्षक संघ द्वारा जो 15 मार्च को प्रदेश स्तर के सभी CDPO सुपरवाइजर जा रहे हैं सामूहिक अवकाश पे, इसकी सूचना दी है। पिछले 30 वर्षों से लगातार हम लोग की लंबित मांगों पे आज तक कोई भी विचार नहीं हुआ है। उसी तारतम्य में हमने पिछले साल हड़ताल की थी और उस दौरान हमें आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन उस आश्वासन पे आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही हमसे मिलकर, और जबकि निचले स्तर पर जितनी भी महिला बाल विकास द्वारा योजनाएं संचालित की जाती है, मैदानी अमला उस पर लगातार अपना काम करके और प्रदेश को सेंट्रल पे नंबर 1 पे लेकर आते हैं, लेकिन पर्यवेक्षक और CDPO की आज तक कोई भी मांग मांगी नहीं गई। इसीलिए हमें 15 से सामूहिक तौर पर अनिश्चितकालीन अवकाश करेंगे। लाडली बहना योजना का कार्यक्रम चल रहा है, इससे आप लोगों की छुट्टी लेने से क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा? ये तो अब 15 के बाद पता चलेगा। मनीषा तिवारी, जिला अध्यक्ष CDPO संघ के अध्यक्ष। थैंक यू। का जो भी पर्यवेक्षक और CDPO संघ की जो मांगे हैं, जिसमें हमारी वेतन विसंगति दोनों स्तर की, साथ में हमारी संविदा पर्यवेक्षक बहनों के नियमितीकरण का मेन मुद्दा है, DDO पावर और प्रमोशन जो हमारे न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत स्थगित है, उन सभी के लिए हमारे विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहलू हमको देखने में नहीं आया है। इसलिए हमारे संघ के आह्वान पर हम सभी मंडला जिले के पर्यवेक्षक और CDPO 15 तारीख से लगातार अनियमित अनिश्चितकालीन अवकाश पर जा रहे हैं।